अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना हनीफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी बनाएंगे उसका नाम है चिकन सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी में आपको पता है कि आलू डलते हैं और ये बगैर आलू के नहीं बनती है और ये ज़्यादा खड़े मसालों की होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि इनमें किन मसालों की ज़रूरत पेश आएगी। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 खाने का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। नमक और मिर्ची अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, जिसे दरदरी मिर्च कहते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ धनिया का पाउडर लिया है, 10 से 12 लौंगे लिए, मैंने 2 बड़ी इलायची ली है काली वाली, और तकरीबन 15 से 20 मैंने काली मिर्ची ली है, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए, बेलीफ लिए 3, और 2 बादियान के मैंने फूल लिए हैं, और हरी इलायची तकरीबन 6 अदद मैंने वो ली है। इन तमाम मसालों को मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था। अगर आपने इनको नहीं पीसना, वैसे तो सिंधी बिरयानी में सारे मसाले खड़े होते हैं, जितने भी गर्म मसाले हैं सारे साबुत डलते हैं। यहाँ पर मैं पीस कर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को खड़े मसाले बिरयानी में पसंद नहीं है कि खाते वक्त निकले, तो मैंने यह तमाम मसाले पीस लिए। अब मैंने 3 खाने के चम्मच इमली ली थी और इसको पानी डाल के थोड़ा सा इसका पल्प तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, उसको रफली मोटे मोटे काट लिए, और 2 हरी मिर्ची ली थी उसको भी मैंने काट लिए। और यहाँ पर मेरे पास धनिया और पुदीना फ्रीज़र किया हुआ था, तो मैंने तकरीबन आधा आधा बंच दोनों का ले लिया था। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डालें। और 1 देगची में मैंने 1 कप बना तेल का लिया, 1 कप मैंने यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज ली थी, ये मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश वाली प्याज लीजिएगा और उसको बिरयानी के हिसाब से तकरीबन 2 बड़े ले लीजिएगा और उसको काट के पहले ब्राउन कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच अदरक का डाला और 1.5 खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला था और इसको थोड़ा सा चला लिया था। और साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था क्योंकि प्याज तो ब्राउन हुए हुए थे मेरे पहले से ही, तो अदरक लहसुन चिकन के साथ ही गोल्डन हो जाना था। यहाँ पर 2.5 किलो मेरे पास चिकन है तो मैंने वो इसमें ऐड कर दी। मैंने लेग पीस इसमें ज़्यादा लिए थे क्योंकि मेरे बच्चों को लेग पीस ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसलिए इसमें चिकन के लेग पीस ज़्यादा डाले। अगर आप मटन और बीफ की भी बिरयानी बनाना चाहती हैं तो आप पहले मटन और बीफ को बॉयल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको भुनाई कीजिएगा जैसे मैंने चिकन को डाल के भुनाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन को चला लिया था हल्के से, और जो मसाला मैंने पीसा हुआ था तमाम मसाला मैंने इसमें डाल दिया था। अब इसको भी हल्के से मैं चला लूँगी। और यहाँ पर साथ ही मैंने हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया था और टमाटर भी ऐड कर दिए थे। तो ये जब मोटे मोटे मसाले डल गए थे तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं साथ ही इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर भी डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 1/2 चाय का चम्मच जायफल ली थी और 1/2 चाय का चम्मच मैंने जावित्री इसमें ऐड की थी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैंने चिकन में पानी बिल्कुल नहीं डाला था क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ देगी और टमाटर भी आपको पता है अपना पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए चिकन फौरन ही गल जाता है। तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया, तो बगैर पानी के ही मैंने समझो चिकन बिरयानी का मसाला तैयार किया था। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने 4 खाने के चम्मच दही लिए। बज़ाहिर तो आपको 3 लग रहे, मैंने 3 डाले, पर मैंने इतने भरे हुए डाले थे कि ये 4 खाने के चम्मच थे। ये देखिए, दही भी डाल दिया, अब ये भी अपना पानी छोड़ देगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके तमाम चीज़ों को मैं ढक के तकरीबन इसको इतना पकाऊंगी 10 से 15 मिनट के लिए कि तमाम चीज़ अपना पानी छोड़ दें और इसी में चिकन गल जाए। अब ये देखिए, मैं इसको ढक दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 किलो आलू लिए थे और उसको मोटे मोटे काट लिए थे। बिरयानी में आलू जो हैं हमेशा मोटे मोटे ही कटे हुए होते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 चाय का चम्मच मैंने एक ज़रदा रंग का डाला, फूड कलर जिसे कहते हैं, येलो फूड कलर, और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। ये देखिए, 15 मिनट के बाद जब मैंने चिकन को देखा तो इसमें किस कदर पानी हो गया था। अब यहाँ पर मैं साथ ही इमली का पल्प डाल दूँगी क्योंकि इस स्टेज पर इमली का पल्प, ये देखें, जब मैंने इमली का पल्प बनाया था मैं समेत गुठलियों के डाल दिए, मैंने गुठलियाँ इसकी नहीं निकाली हैं। अब देखो, आपको पानी भी नज़र आ रहा है और ऑयल भी सेपरेट हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें हल्का सा इसको मिक्स करके दोबारा 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाऊंगी कि थोड़ा सा पानी इसका और खुश्क हो जाए।
पानी इतना खुश करूँगी कि बस मुझे बिरयानी के हिसाब से मसाला चाहिए। उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैंने देखे आलू उबलने के लिए रखे हुए थे, अभी भी थोड़े से सख्त हैं, आधे गल चुके हैं। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जब तक मैं यहाँ पर चावलों को बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दूंगी। यहाँ पर मैंने एक डेगची में पानी लिया है और 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें नमक डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए मैंने तकरीबन 2 किलो चावल लिए थे और उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। यहाँ पर मेरा पानी उबल गया है तो वो चावल मैं जो भिगे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिया है, अगर आपकी मर्जी है तो आप ना सीला भी ले सकती हैं। चावलों को मैं बस इतना बॉईल करूँगी कि समझे इसकी 5 कनी होती है, तो मैं इसकी 2 कनी चावलों को बॉईल कर लूँगी और 3 कनी रहने दूँगी। यहाँ पर देखें मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ कि चावल अभी किस हद तक कच्चा है। बस यहाँ पर मैं इसको निचोड़ लूँगी और दोबारा उसी देगचे में मैं सबसे पहले थोड़े से चावल नीचे डालूँगी और जो मैंने कोरमा तैयार किया हुआ है चिकन का वो उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, और आलू मेरे अच्छे से गल गए थे तो मैंने अभी इस तह में आलू नहीं डाले, मैं ऊपर वाली तह में आलू डालूंगी। अब सेम इसी तरह मैं 2 से 3 तह लगा लूंगी और साथ ही आलू डाल ऊपर से सादे चावल डाल दूंगी। अब ये देखें आलू का कलर देखें कितना अच्छा है और ये गल गए हैं, तो बस ये हल्के से दम में जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी तो वो गल जाएंगे हल्के। अगर मैं नीचे वाली तह में लगाती तो आलू और मज़ीद गल जाते और टूट जाते, तो ये देखें इसलिए मैंने ना ऊपर तह पर लगाए। अब सादे चावल मैं ऊपर लगा दूंगी और चम्मच से इसको प्लेन कर लूँगी। अब यहाँ पर 1 कटोरी में 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने पानी के लिए और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें केवड़ा वाटर डालूँगी। अगर आपके पास एसेंस है तो आप उसको ड्रॉप की सूरत में डालिएगा, क्योंकि मेरे पास ये वाटर है तो मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। और 1 खाने का चम्मच मैं फूड कलर डालूँगी, जो बिरयानी वाला कलर होता है येलो कलर, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम जो चावलों को दम के लिए रखा हुआ था उसके ऊपर मैं सबसे पहले 1 कप ऑयल डालूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा पकाते वक्त मैंने चिकन में 1 कप ही ऑयल डाला था, तो 1 कप मैं अभी डालूंगी कि चावलों में अच्छे से शाइन आ जाए और जो मैंने फूड कलर तैयार किया है वो मैं जगह जगह डाल दूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से भी डाल सकती हैं। ये देखिए मैंने सारा इसमें डाल दिया है और 1/2 कप मैं फ्राई की प्याज दूँगी, वो भी ऊपर डाल दूँगी इसके। अब आप इसको अच्छे से किसी चीज़ के साथ रैप कर दीजिएगा, चाहे फॉलिंग रैप रैपिंग ले लें या फिर आप कोई कपड़ा ले लें, कोई भी फॉलिंग शीट से किसी चीज़ से भी आप इसको कर सकती हैं। तो मैंने फॉलिंग शीट से किया था और इसको ढककर तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए बहुत तेज़ आंच पे पकाया था और फिर हल्की दरमियानी आँच कर दी थी 5 मिनट बाद। उसके बाद मैंने फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने बिल्कुल स्लो आँच कर दी थी, बिल्कुल दम वाली आँच कर दी थी। तो देखें ये पककर तैयार हो गई है, इसको अच्छे से दम आ गया है। अब मैं आपको ज़रा मिक्स करके दिखाती हूँ, देखिए कलर कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना कलरफुल बिरयानी बनी है। सिंधी बिरयानी में मैं आपको दोबारा बताती जाऊँ कि सारे मसाले खड़े डलते हैं, मैंने यहाँ पर पीस कर डाले क्योंकि मेरे घर वालों को खड़े मसाले पसंद नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में अपने याद रखना है मुझे, और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।